अच्छा, इसमें उस्ताद मोहतरम लाइक मश्क के लिए काफी उस्ताद मोहतरम बताते हैं कि ये मश्क का पेपर है, ये प्रोफेशनल पेपर है। तो क्या इसमें जो मश्क का पेपर है और प्रोफेशनल पेपर है, उसमें एग कोटिंग्स की लेयर्स ज्यादा होती हैं, या क्या डिफरेंस होता है? जो मश्क का पेपर होता है उस पर एग कोटिंग होती ही नहीं, उस पर सिर्फ और सिर्फ नशास्ता लगाया जाता है ताकि कलम चल पड़े बस, और उस पर कुछ भी नहीं लगाया जाता क्योंकि वो मश्क के लिए होता है। लेकिन जब आप पेंटिंग बनाने के लिए, फनपारा बनाने के लिए जो पेपर आप यूज करते हैं, तो वो तो बाकायदा उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना पेपर की, उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाता है पेपर को, ताकि वो 1000 साल तक चले, आपकी पेंटिंग खराब ना हो, मौसमी असरात से महफूज रहे, लंबे अरसे तक आपकी पेंटिंग जिंदा रहे। पेंटिंग जिंदा है तो आर्टिस्ट जिंदा है। तो इसमें पहले लोग तो प्रिजर्व करने के लिए भी वो जो अंडा और वो उससे मिक्सचर बनाते थे, वो प्रॉपर वो मैं आपको लाइक बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो आपका जो मुकहर होता है ना, मुकहर वर्क के मुकहर, ये बेसिकली ये एक प्रिजर्व्ड होता है। इसके ऊपर जब आप खताती करते हैं ना, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर वो खताती उसमें जज्ब हो जाती है अपनी सरफेस के अंदर, जगह बना लेती है सरफेस में जज्ब होकर, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाती है। इसको मजीद प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि मजीद प्रिजर्व हो जाए, तो वो 6 महीने के बाद उसके ऊपर एक लेयर लगती है अंडे की, तो मजीद प्रिजर्व हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है, और बेहतर हो जाता है। ऊपर जो और आपने इसमें किया है वो भी सेव हो जाता है। जी इल्यूमिनेशन का वर्क है, इसमें पेंट्स वगैरह यूज होते हैं, इसको भी प्रिजर्व करने के लिए वही मेथड है? इसको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं होती, ये खुद प्रिजर्व हो जाता है एक टाइम के बाद, पक्का हो जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये पक्का होता चला जाता है। इसको मैंने प्रिजर्व कहीं करने पढ़ा के लिए था कुछ नहीं लगाया जाता। पेंटिंग्स वगैरह का वो आबे बारा में जैसे चौक का होता है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, उसका मिक्सचर कुछ बना के वो पेंटिंग्स पे लगाते थे, तो वो काफी अरसा चल जाती थी पहले लोग। मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिपेंड करता है कि आपका मीडियम क्या है। अगर आप ऑयल में काम कर रहे हैं, ऑयल कलर्स को प्रिजर्व करने के लिए, सबसे पहले तो ऑयल पेंटिंग को फाइनली फुल फाइनल ड्राई होने के लिए 1 साल चाहिए, ठीक है? तो वो 1 साल में इस काबिल होती है कि उसको प्रिजर्व किया जा सके। उसके बाद फिर उसकी प्रिजर्विंग के लिए, जो है प्रिजर्वेशन के लिए, आप उसको लिंसेड ऑयल का कोट लगा सकते हैं, या आप उसको अल्काइड वार्निश उसमें यूज कर सकते हैं उसकी प्रिजर्वेशन के लिए, या उसकी प्रिजर्वेशन के लिए आप लेकर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स, बहुत सारे मटेरियल्स। ये ठीक है जी। अच्छा, इरादा तो मेरा ये था कि मैं इसमें कलर वगैरह भर के बताऊं, लेकिन अब चूंकि टाइम बहुत कम रह गया, मेरा इरादा ये था कि मैं इस क्लास में ना एक शमसा बना के दिखाऊंगा आपको, लेकिन चले कोई नहीं, बन जाता मैं अगर डायरेक्ट शुरू करता, लेकिन फिर उनको वो कहते कि ये क्या हो रहा है, तो काम करके दिखा रहे हैं। क्लास थोड़ी सी आगे भी तो कर सकते तो आगे कर दें, थोड़ी सी आधा हैं, घंटा बढ़ा दें, ताकि ये मैं कलर भर के दिखा दूं उनको थोड़ा आधा घंटा। सा। नेक्स्ट भी तो वाटर कलर की क्लास है ना उस्ताद मुजरिम, तो आप वाटर कलर की क्लास में ये शमसा पैटर्न को कलर करें। जी, ये नेक्स्ट वाटर क्लास आप कलर ही की क्लास में हम शमशा नहीं बना सकते ना, यही तो मसला है। वाटर कलर की क्लास में वाटर कलर की क्लास में सिर्फ वाटर कलर हो सकता है, मैं वही कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा उनको ना कलर करके दिखा दो, ये इस तरह से होता है। चलें जी, बहरहाल थोड़े से एरिया को हम जो है ना फिनिश कर देते हैं। चलें ठीक है, वाटर कलर की क्लास को लंबा कर देंगे ना हम थोड़ा सा, ठीक है।
ये देखें जी, इस तरह से ये होता है। अच्छा, इसमें कलर भरने के मुख्तलिफ तरीके हैं असातजा के अपने अपने, ठीक है। कुछ असातजा पहले ब्लैक आउटलाइन करते हैं, उसके बाद बीच में कलर भर देते हैं। कुछ जो है पहले कलर भरते हैं, उसके बाद आउटलाइन करते हैं। तो मुझे भी यही ठीक लगता है कि पहले कलर भरा जाए और फिर आउटलाइन, मुझे इसमें आसानी होती है। तो बहरहाल ये तो आपको जिस तरह से आसानी हो काम, आपने उसी तरह से करना हो, अपनी आसानी आपने देखनी होती है। क्लच ये 0.35 की है, 0.3 की है क्लच पेन से। चलें जी, ये शमसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैं मुकम्मल भी कर दूंगा और ये शमसा उसको स्टूडेंट को मिलेगा जो सबसे पहला एडमिशन जो हमारे पास आएगा उसको हम ये शमसा भेज देंगे, ठीक है। सादे मोचन कोई लाइक प्रिजर्वेटिव्स की क्लास के जैसे प्रिजर्व करना पेंटिंग्स वगैरह जी पेपर जी वगैरह इस तरह का कोई कोर्स है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसके हवाले से मैंने लिखना है, मैंने कैनवस के हवाले से बड़ा डिटेल में लिखा, मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने। प्रिजर्वेशन के हवाले से भी मैंने लिखना है कि पेंटिंग्स प्रिजर्व कैसे होती हैं। सरे दस्त इतना समझना जरूरी है कि पेंटिंग की प्रिजर्वेशन स्टार्ट होती है कैनवस से। जब आप कैनवस इंतखाब करते हैं, पहला स्टेप वही होता है प्रिजर्वेशन की जाने। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो कैनवस लिया वो ठीक है, वो काम करेगा या नहीं करेगा, वो इतने अरसा तक चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है जी। जो एक्रेलिक पेंटिंग होती है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं होती, अगर प्रिजर्व करना भी हो तो उसको एक्रेलिक जेल के कोट लगा के प्रिजर्व कर सकते हैं आप, उस पर आप किसी ऑयल मीडियम का कोट नहीं कर सकते, ठीक है। जो ऑयल पेंटिंग है उसका, उसकी प्रिजर्वेशन भी ऑयल में ही होती है, उसको आप एक्रेलिक में, खैर उसको तो एक्रेलिक में प्रिजर्व करना चाहें तो कोई इश्यू नहीं है, एक्रेलिक से कोई इश्यू नहीं। उसकी वजह यह है कि एक्रेलिक जो है वो फ्लेक्सिबल मीडियम है, तो वो एडजस्ट हो जाता है हर चीज पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्रेलिक से आप किसी भी चीज को प्रिजर्व कर सकते। अच्छा, ये लिंक्स वगैरह आप शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपने ये आर्टिकल्स लिखे हैं? आप हमारे ग्रुप में जाएं, बैठक खुशनवीसा, वो मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देंगे लिंक्स, ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ठीक है। या फिर हमारा वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, इन्फॉर्मेशन का जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप उसका के लिंक ऊपर, भी उसका लिंक आपको, भेजेंगे। जब आपको भेज देंगे, सारे स्टूडेंट्स को भेजेंगे, ठीक है, सबको लिंक भेज देंगे। वहां से आप जो है ना, फिर वहां पे हम अपनी अपडेट्स डाल दिया करेंगे। ये अपनी वो जो ग्रुप है हमारा फेसबुक पर, उसका भी लिंक आपको डाल देंगे। बैठक खुशनवीसा का लिंक भी हम आपको डाल देंगे। बैठक खुशनवीसा एक फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ किसी किस्म की कोई फीसेज लागू नहीं होती किसी भी चीज़ पर। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने दी हुई हैं फ्री में, कलम कैसे बनता है, पेपर कैसे है, वर्क के मुकहर क्या है, वसली क्या है, इंक क्या होती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई, ठीक है जी। ऑर्गेनिक इंक्स चल जाती हैं काफी अरसे तक, ये प्रिजर्व हो जाएंगी या फिर इनका रंग फक हो जाता है? डिपेंड करता है, नहीं, रंग रंग का ताल्लुक मीडियम से नहीं होता, रंग का ताल्लुक होता है पिगमेंट की क्वालिटी से, ठीक है। अगर पिगमेंट की क्वालिटी अच्छी है ना, तो फिर आपको जो कोई इश्यू, परेशान होने की जरूरत नहीं रंग के हवाले से। लेकिन अगर आपकी पिगमेंट की क्वालिटी लो है, तो फिर वो फेड भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जैसे मैंने अनार से इंक बनाई है, हल्दी से इंक बनाई है, वो तो अब नेचुरल पिगमेंट्स हैं, वो इतने शार्प तो नहीं होते जैसे नहीं लाइक नहीं होते। नहीं नहीं अगर आपने मिसाल के तौर पर अनार से बनाई है इंक, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ।
आप पेपर के ऊपर एक स्ट्रोक लगाएं इंक से, ठीक है, और उस स्ट्रोक के ऊपर आधे को आप ब्लैक टेप से कवर कर दें, ठीक है, और आधा जो है उसको आप वो कर दें, छोड़ दें, ठीक है, आधे पे टेप लगा दें और आधा वैसे ही छोड़ दें, आप खाली छोड़ दें, और उसको आप धूप में रख दें 3-4 दिन के लिए, और 3-4 दिन में जब आप टेप उतारेंगी तो फिर आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा इंक आपकी किस काबिल है। मतलब क्या रिजल्ट आएगा? वो तो फिर आपकी इंक बताएगी ना क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ये होना चाहिए उसका कि अगर तो टेप हटाने के बाद दोनों कलर सेम है तो फिर तो आपकी इंक बहुत हाई क्लास है, वो तो फेड नहीं हो रही, लेकिन अगर टेप हटाने के बाद एक लाइट है और एक डार्क है तो इसका मतलब है आपकी इंक ठीक नहीं है, वो फेड हो रही है, लाइट फास्टिंग बहुत ज्यादा है उसकी। ये ठीक जब है, आप मैं अपने खरीदते हैं ना, ये जब आप इंक, सुनिएगा, जब आप इंक्स खरीदने जाते हैं ना तो उसके ऊपर मार्किंग्स होती हैं, लिखा हुआ होता है, सारे मार्क्स होते हैं, तो उन मार्क्स के जरिए भी आप देख सकते हैं कि ये इसकी लाइट फास्टनेस कितनी है, ये कलर ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है। ठीक हो गया। बाकी जो ओरिजिनल पिगमेंट्स होते हैं जो स्टोन से बनते हैं, जैसे कि लेब्जे लजूली हो गया, या जो आपका जो रेड कलर है ये ऑक्साइड से बनता है, ये कलर कभी भी फेड नहीं होते। इसके अलावा जैसे कि अल्जेरियन क्रिम्जन कलर है, ये कलर जो है वो डाइज है बेसिकली, या सेरुलियन ब्लू है, सेरुलियन ब्लू भी बेसिकली डाइज है, ये पिगमेंट नहीं है, तो वो वाले कलर फेड हो जाते। तो ये कलर लेते वक्त आपको देखना होता है कि जो कलर आप ले रहे हैं वो फेड होने वाला है या नहीं। नहीं, मैं जैसे अनार, हल्दी, प्याज, इस तरह से जैसे इंक्स वगैरह तैयार कर लेती हूँ, माल्टे का जैसे हो जाता है, तो मैं उनके बारे में कुछ और सर्च तो किया है, मैंने काफी किताबें वगैरह भी स्टडी की हैं इसके बारे में, तो उसके आसान बाद तरीका मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। आप सूखा प्याज देखें उसका कलर क्या होता है? क्या सूखे हुए प्याज का कलर वही होता है जो गीले जो फ्रेश प्याज का होता नहीं। नहीं होता ना। इससे क्या साबित होता है कि उसके अंदर जो पिगमेंट है वो पिगमेंट नहीं है, वो डाइज है बेसिकली, वो डाइज है और वो उड़ रहा है, फेड हो रहा है, वो लाइट में गायब हो रहा है, इतनी सी बात है बस। तो कलर जो है उनको धूप में रखकर पहले देख लेना चाहिए कि ये फेड तो नहीं हो रहा, अगर वो फेड हो रहा हो तो उसको यूज नहीं करना चाहिए, उसको पेंटिंग पर्पस में यूज नहीं करना चाहिए, वैसे मश्क के लिए तो आप यूज करें, आप हल्दी से बनाएं, प्याज से बनाएं, हल्दी जो है वो उसका मैं समझता हूँ कि वो कलर लॉन्ग लास्टिंग होता है, हल्दी का कलर जो है वो फेड नहीं होता जल्दी जल्दी, बल्कि फेड होता ही नहीं है क्योंकि उसका वो कलर नेचुरल वही है, सूखने के बाद वो कलर आता है ना हल्दी में। देखिए जी, इस तरह से हो रहा है, ये मैं पहले मैं कलर को, तो जी आपके ठीक है ठीक है, पास में से ज्यादा चलें जी, बेटर बहरहाल ये शमसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तरीकाकार आपने देख लिया। अब मैं क्या करूंगा कि इसको पहले आउटलाइन कर लूंगा, गोल्ड करने के बाद मैं इसको करूंगा आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन करने के बाद इसकी गोल्ड को छोड़कर बाकी जगह पर ब्लू कलर भर दूंगा। तो हम अपनी क्लास में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बेसिक्स क्या हैं, रूमी क्या है, हलकार क्या है, उसकी क्या बेसिक्स हैं, एक एक करके सारी बेसिक्स को लेंगे और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ सीख कर जाएं, और इंशाल्लाह जो हमारी 3 महीने की क्लास मुकम्मल होगी तो आपको रूमी की भी समझ आ जाएगी, हलकार की भी समझ आ जाएगी, मटेरियल की, मीडियम्स की समझ आ जाएगी, आपको गोल्ड की समझ आ जाएगी, पिगमेंट्स की समझ आएगी,
रियल गोल्ड से कैसे काम करते हैं, क्या फर्क होता है रियल गोल्ड का और फेक का, कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने गोल्ड किसी ने आपको दिया है ये रियल है भी कि नहीं है, और लीफ जो है वो बनवाते कैसे हैं, अपने लीफ अगर बनवाने हों आपने अपने गोल्ड लेकर तो उसका क्या तरीका कार होता है, फिर लीफ से कैसे आप कलर बनाते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं या लीफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें हमने क्लास के अंदर सीखनी है। 3 महीने की क्लास में हम एक पेंटिंग बनाकर उठेंगे इंशाल्लाह, हमारी क्लास खत्म होगी तो एक पेंटिंग, एक एक पेंटिंग तमाम स्टूडेंट्स के पास अपनी बनी हुई होगी मुकम्मल, और नॉलेज उनके पास सारी होगी मुकम्मल नॉलेज, हिस्ट्री क्या है इसकी, मटेरियल्स क्या है, मीडियम्स क्या हैं, इसको किस चीज को क्या 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 नाम है इसके, लेकिन बाकी की तो फिर उनकी मेहनत है ना कि वो मश्क कितना करते हैं, जितना मश्क करेंगे उतना ही आगे जाएंगे, लेकिन इल्म हम दे देंगे सब हर चीज का इंशाल्लाह। जी, करते हैं स्टार्ट जी, ये मैंने इसमें भर दिया कलर, ठीक है जी। अच्छा, इसका जो है ना एक कोट और होता है गोल्ड का ना, तो वो अभी दूसरा कोट हम नहीं लगा रहे, हम इसको डायरेक्ट आउटलाइन मार, ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऑनलाइन है मामा? चलिए ठीक है। अच्छा, 10 मिनट हैं हमारे पास, तो किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ ले, मैं साथ साथ जो है ना मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग बात भी करें मेरे साथ। सर, 5 मिनट चलें, 5 मिनट में हम जो कर सकते हैं हम कर लेंगे। साथ में मतलब गोल्ड का बता दें, क्योंकि ग्लाइडिंग इज समथिंग के जो नक्काशी का बिल्कुल बेस इसको कह देते हैं, या इसका मेन, इसकी रूह कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होता है लीफ, गोल्ड का लीफ चाहिए होता है, लीफ से फिर कलर बनता ये जो बाजार में आजकल मिल रहे हैं वो तो है। ओरिजिनल नहीं, नहीं ये है। गोल्ड नहीं होता। इसका आसान मैं आपको तरीका बताऊं, सबसे आसान, कि आप बाजार से कोई भी लीफ ले लें ना तो उसको सुनार के पास ले जाएं, ठीक है, सुनार आपको 1 मिनट में चेक करके बता देगा कि ये लीफ है या क्या है, ये गोल्ड है भी या नहीं, तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको सुना बता देगा, ठीक है। तो अगर सुनार कहता है कि ये वाकई गोल्ड है और इतने कैरेट का है, तो आप उसको परचेज कर लें, जाएं उसको परचेज करें। जी, अगर वो कहता है नहीं ये गोल्ड नहीं है ये फेक है, तो उसको छोड़ दें। बहरहाल मैं तो प्रेफर करता हूँ इंपोर्ट कर लिया जाए, जर्मनी की कंपनियां हैं वो अच्छा होता है, अमेजोन पे मिल जाता है वो, 25 से 30 दिन में आ जाता है, वो सस्ता भी होता है, ये तो बहुत महंगा देते हैं ना, तो वो थोड़ा सस्ता भी देते हैं। अच्छा, मुझे अभी थोड़ा सा इसी जगह पे रखना पड़ेगा कि मैं कर भी सकूँ। अगर हम कोई मुसहफ का डिजाइन कर रहे हैं, इल्यूमिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो हम फिर 24 कैरेट गोल्ड का ही लीफ यूज करेंगे। लाजमी लाजमी, बिल्कुल 24 नहीं होता, 22 होता है आपका, हो गया, क्योंकि 24 कैरेट जो है फिर उसको वो पाउडर फॉर्म में करना पड़ता है। अगर आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाए ना, डस्ट मिल जाए 24 कैरेट की, तो वो तो सबसे बेस्ट चीज है। ये सराफा बाजार में मिल जाती है, देखें गोल्ड को लेने का बेहतरीन तरीका यही है, सराफा बाजार जाएं वहीं से ले लें, और जो अच्छे ज्वेलर्स हों, मुस्तनद ज्वेलर्स हों, उनसे लें बस। बाकी उसको जब अमल करते हैं ना, हम उस अमल में पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है भी कि नहीं, पता चल जाता है, क्योंकि गोल्ड को पानी में रखा जाता है 10 दिन के लिए, तो वो अगर फेक हो तो वो काला पड़ जाता है, वो रिजल्ट देता ही नहीं है, असल गोल्ड जैसा देगा ही नहीं रिजल्ट।
मैंने एक्चुअली ऑर्गेनिक इंक्स का इंतखाब इसलिए किया था, इस पे सर्च इसलिए कि मैं चाहती थी जो कुरान पाक की आयत वगैरह हैं उसमें मैं ये आर्टिफिशियल इंक्स ना यूज करूं। तो इस हवाले से, लाइक एहतराम के हवाले से, मैंने काफी इस पे सर्च की कि अगर मुझे पेज भी बनाना है तो वो किस तरह का मैं यूज करूंगी, इंक्स किस तरह की यूज करूंगी, तमाम उसकी जो है चले मैं एहतराम आपको एक एक उस दिखाते हवाले हुए। से एक एक टिप दे देता हूँ, टिप दे देता हूँ। देखिए, इंक्स बनती हैं पत्थरों से, याकूत है, मरजान है, ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, लाजवर्द है, जिसको लैब्ज़े लजूली कहा जाता है, अल्ट्रा मेरीन जिससे बनता है। ये सब अल्लाह ने पैदा किए हैं ये पत्थर, कुरान में भी जिक्र है बहुत सारे पत्थरों का, तो फिर आप वो वाले यूज करें जिनका जिक्र कुरान में हो, उनके आप सर्च करें कि इनके पिगमेंट्स का क्या नाम है, तो उनके अनार पिगमेंट्स का भी तो कैसे जिक्र बने। था ना कुरान में, अनार की सिलेक्शन मैंने इस वजह से की थी। अच्छा माशा, बट ठीक हो। वो तो अगर आप कह रहे हैं कि डाइस हैं तो वो फिर प्रेफर जी, नहीं होगी। तो वो तो फिर ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलेंगे ना, मकसद तो आपको पूरा कर रहे हैं लेकिन वो चलेंगे नहीं ना लंबे अरसे तक। ये देखें जी, इस तरह से आउटलाइन होती है, इसको मैं जीरो का ब्रश यूज कर रहा हूँ, इसके लिए विंसर न्यूटन का, सेबल का, ठीक है। और आप इसकी जगह पे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है ये वाले भी ब्रश यूज कर सकते हैं, ये वाले, ठीक है।